Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Verma and I hope you all are doing very well. So I'm back with another video, and in today's video we're gonna talk about FinAir cabin crew job position for both male and female for New Delhi base. In this video we're gonna discuss about who all are eligible for this job position, how to apply, what is the selection process, and what are the other things like salary, training. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर बात करें FinAir की, तो FinAir फिनलैंड का एक लार्जेस्ट एयरलाइन है जिसके स्टॉकहोम और हेलसिंकी के अंदर बेस हैं, और अभी ये जो है इंडिया के अंदर कैबिन क्रू हायर कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, या हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया के बारे में बात करें, तो आपके पास में मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर. अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो PUC होना कंपलसरी है, जिसे हम 12th पास बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में 3 साल का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना भी कंपलसरी है. मिनिमम हाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 162 सेंटीमीटर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ पर गिवन है. यहाँ पर 162 सेंटीमीटर दोनों के लिए ही मिनिमम गिवन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, यहाँ पर कुछ भी मैक्सिमम गिवन नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि आप 162 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं या 162 सेंटीमीटर हैं, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ में ही अगर हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो आपको पता होगा कि जब भी हम एक इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ सर्टन एज क्राइटीरिया, एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर गिवन है, मैक्सिमम यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है. तो अगर आप 30 प्लस भी हैं तो अभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर किसी भी टाइप के कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस पोजीशन के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं. मस्ट हैव राइट टू वर्क इन इंडिया, आपके पास में इंडिया के अंदर काम करने के जो राइट्स हैं वो होना कंपलसरी है. इसके साथ में ही गुड हेल्थ एंड फिटनेस, आपको कोई भी एक सीरियस डिजीज़ नहीं होना चाहिए, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो फिट होनी चाहिए, और आपकी जो विज़न है वो भी क्लियर होना चाहिए एकदम. ड्रग टेस्ट यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग होगी या जब आपका इंटरव्यू होगा. अगर आप इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं सारे के सारे राउंड, तो शायद यहाँ पर आपका एक ड्रग टेस्ट भी होगा. और आपको पता होगा कि अगर हम एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो चाहे वो पायलट हो चाहे वो कैबिन क्रू हो, सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर सबका ड्रग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है. तो अगर आप FinAir के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका शायद इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो आपका जो है ड्रग टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा. मस्ट बी एबल टू स्विम 50 meters, आपको स्विमिंग आना कंपलसरी है. यहाँ पर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको 50 मीटर स्विम करना आना चाहिए, और ये जो है वो आपका टेस्ट किया जाएगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही है जो कमांड बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए. स्पेशली इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर मोस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ही होती है. और इसके साथ में ही अगर आपको किसी भी एक यूरोपियन लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, चाहे वो पॉलिश हो चाहे वो डच हो जर्मन हो. अगर आपको इनमें से किसी भी टाइप की जो है यूरोपियन लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा. इसके साथ में ही अगर आप सक्सेसफुल होते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो है 5 वीक्स की ट्रेनिंग होगी फिनलैंड के अंदर. फिनलैंड जो FinAir का बेस है वहाँ पर आपकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी. अभी हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक गिवन करें यहाँ पर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर एक लिंक गिवन है एप्लीकेशन करने के लिए, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है. जब आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर साइन अप करना होगा, या आपको वहाँ पर रजिस्टर करना होगा, और उसके साथ में ही आपने अपने जो डिटेल्स हैं लाइक रेज्यूमे, आपका बायोडाटा, आपके फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, वो मोस्टली सब
और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको जब आप फॉर्म ओपन करेंगे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब आप सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही डेट, प्लेस और टाइमिंग दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि शायद न्यू दिल्ली के अंदर होंगे क्योंकि ये जो पोजीशन है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ट्रेनिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आपकी फिनलैंड के अंदर, और उसके बाद में आपको जो है दिल्ली बेस के अंदर दिया जाएगा क्योंकि ये जो पोजीशन है वो दिल्ली की है, तो ऑब्वियसली आपको दिल्ली NCR के अंदर ही रहना होगा। तो आप अगर इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं इस पोजीशन के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको रिलोकेट दिल्ली NCR के। अगर हम यहाँ पर डेडलाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी डेडलाइन गिवन नहीं है, बट यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल गिवन है। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना जो है ऑनलाइन सबमिशन कर दें। तो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो फिनएयर के कैबिन क्रू की जॉब पोजीशन के बारे में। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भी एविएशन इंडस्ट्री की न्यू जॉब पोजीशंस के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तो अभी मैं हर्ष वर्मा मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।